लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज करना है, इसको लेकर आज हमने वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद महिला के जीवन का नया पड़ाव आता है। इस समय महिला को खुद की सेहत के साथ बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ महिलाओं को शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराते समय दर्द या जलन महसूस हो सकती है। दरअसल स्तन के निप्पल की नसों के सिकुड़ने के कारण महिलाओं को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महिलाओं के निप्पल में सूजन और सफ़ेद दिख सकते हैं। ब्रेस्ट के दौरान निप्पल वैसोस्पैज़म के क्या कारण होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है निप्पल में दर्द। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं के निप्पल में क्रेक यानी स्किन फट जाती है। जब वह ठीक हो रहे होते हैं तो उस समय भी महिलाओं को वैसोस्पैज़म की समस्या हो सकती है। तापमान में बदलाव। सर्दी के मौसम में जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है और इस दौरान जब वह दूध पीना बंद करता है तो ऐसे में निप्पल के तापमान में अचानक गिरावट आती है। इस दौरान महिलाओं के स्तनों में वैसोस्पैज़म हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेस होना। जिन महिलाओं को स्ट्रेस और माइग्रेन की समस्या होती है उनको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल वैसोस्पैज़म की समस्या हो सकती है। निप्पल वैसोस्पैज़म के अन्य कारण, ऑटो इम्यून बीमारी की दवा लेने पर दवा का सेवन करना है। सिगरेट पीने से भी महिलाओं को निप्पल वैसोस्पैज़म हो सकता है। निप्पल वैसोस्पैज़म के लक्षण क्या होते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। निप्पल में तेज दर्द होना। निप्पल्स में ब्लड ना पहुंचने पर महिलाओं को तेज दर्द या जलन महसूस हो सकती है। यह समस्या ठंड के समय ज़्यादा देखने को मिलती है। निप्पल के रंग में बदलाव। निप्पल वैसोस्पैज़म में महिलाओं को निप्पल के रंग में बदलाव महसूस हो सकता है। अधिकतर महिलाओं को निप्पल वैसोस्पैज़म के लक्षण कुछ सेकंड या मिनट तक महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं दर्द महसूस करती हैं। इस दौरान महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान परेशानी होती है। निप्पल वैसोस्पैज़म का इलाज कैसे किया जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ। इस समस्या में डॉक्टर महिलाओं को स्तनों की नसों को खोलने के लिए कुछ दवाएं दे सकते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B6 की दवा कुछ महिलाओं में निप्पल वैसोस्पैज़म को कम कर सकती है। ओमेगा फैटी एसिड से कुछ महिलाओं में निप्पल वैसोस्पैज़म की समस्या को कम करने में सहायता मिलती है। फिश ऑयल ओमेगा फैटी एसिड का एक बेहतर स्रोत माना जाता है। बीपी, चक्कर आना, जलन और पैरों की सूजन को दूर करने के लिए भी दवाएं दी जा सकती हैं। पंप करने या दूध पिलाने के तुरंत बाद हीटिंग पैड इस्तेमाल करने की सलाह मैं देता हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।